कैंट थाने की पुलिस ने मोबाइल फोन लूट करने वाले तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर तीन अभियुक्तों को पीडब्ल्यूडी रोड से आने वाले तिराहा से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान शिवम निगम पुत्र सोमनाथ निगम निवासी संग्रामपुर कस्बा उनवल थाना खजनी जनपद गोरखपुर, दूसरा अमन गौड़ पुत्र धर्मेंद्र गौड़ निवासी मिर्जापुर गुड़ियाना बाबा के नीचे गली में अनीस के मकान में थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर, तीसरा सिद्धार्थ साहनी पुत्र महेश साहनी निवासी मिर्जापुर मुंडेरी चक बासमंडी थाना राजघाट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से लूट के एक एप्पल आईफोन व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि 11 सितंबर को वादी मुकदमा द्वारा रीजनल स्टेडियम के सामने से अज्ञात बाइक सवारों द्वारा अपने एप्पल मोबाइल फोन को छीन कर भाग जाने के संबंध में लिखित तहरीर दी गई थी, जिसके संबंध में थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में ज्ञात हुआ कि तीनों अभियुक्त दोस्त हैं और साथ में मिलकर अपराध की घटना को कारित करते रहते हैं। ये सभी अक्सर सुनसान सड़कों पर सुबह के समय मोबाइल छिनैती की घटना करते हैं। अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि 6 सितंबर को इन लोगों द्वारा कारमल रोड से एक लड़के का एप्पल मोबाइल फोन छीना गया था। घटना के समय शिवम निगम मोटरसाइकिल चला रहा था तथा अमन व सिद्धार्थ पीछे बैठे थे। सिद्धार्थ साहनी द्वारा ही लड़के के हाथ से एप्पल मोबाइल फोन को छीना गया था। आज भी मोबाइल छीनने के फिराक में ही ये सब घूम रहे थे, पकड़े गए जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार राय, नितिन श्रीवास्तव, कांस्टेबल संजीत अजीत यादव शामिल रहे। Thank you.